अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। क्या तुम मसूरी जाना चाहते हो? मसूरी कौन घूमना नहीं चाहता, पर मसूरी इतना एक्सपेंसिव है, आई कैनॉट इवन थिंक टू अफोर्ड इट। नो मैन, अब नहीं। अब तुम मसूरी जा सकते हो सिर्फ 2999 रुपीस में। 3 nights 4 days का ट्रिप, स्टे इन 4-star होटल इंक्लूडिंग ऑल मील्स एंड लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज। क्या मजाक करने के लिए मैं ही मिला क्या? इतने पैसों में आपको कौन लेके जाएगा मसूरी? राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स, क्या तुम नहीं जानते राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स के बारे में? हर 3 महीने में ये एक ट्रिप लेकर आते हैं स्पेशली विजुअली इम्पैक्ट पर्सन्स के लिए। जयपुर ऋषिकेश जिम कॉर्बेट के पास अब 1 अगस्त को ट्रिप जा रहा है मसूरी के लिए। वाओ, फिर तो मैं आज ही बैग पैक करता हूँ। मुझे जल्दी बता दीजिए इस ट्रिप में जाने के लिए मुझे किससे कॉन्टेक्ट करना होगा? जी हाँ, आप भी कर लीजिए अपने बैग पैक। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें मिस्टर हिमांशु 8527118161 या फिर 0114701111 पर। तूने जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ, इतना ज्यादा है कि एहसास दबा जाता हूँ। मेरी तकदीर बता और तकज़ा क्या है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी कि तेरे आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत थी कि तेरे आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। कहते हैं कि जिंदगी का इरादा तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन अपना इरादा क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम जरूर करते हैं। खातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। यादें लेकर हाजिर है आपका अपना दोस्त आज अभी आपके अपने रेडियो उड़ान के साथ। आज के अपने शो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गजल के बादशाह जगजीत सिंह के बारे में। क्या आपको पता है एक ऐसे सिंगर जिन्होंने कहीं पे भी गाने की, कहीं पे भी सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली थी, इनकी कोई क्लास नहीं हुई थी। इनके मन में बचपन से ही गाना गाने का शौक था, और वो शौक जब वो 18 साल के पूरे हुए तभी जाके पूरा हुआ। 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में इनका जन्म हुआ था। सरदार अमर सिंह थमानी जो कि भारत सरकार के कर्मचारी थे, वैसे तो जगजीत सिंह का पूरा परिवार पंजाब के रोपड़ जिले जो एक समय दल्ला गांव का है वहां के रहने वाले हैं। कहते हैं कि उनकी माँ का नाम था बच्चन कौर, पंजाब के ही समरल्ला के उच्चालल गांव के रहने वाली थी। जगजीत सिंह का बचपन का नाम जीत सा। करोड़ों सुनने वालों के चलते सिंह साहब को कुछ ही दशकों में ही जग को जीतने का यानी जगजीत का खिताब मिल गया। वो कहते हैं कि अगर कोई अच्छी बात होती है, वो अगर निकलती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई टोक नहीं सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता। बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। जगजीत सिंह की एक प्यारी सी गजल आपके अपने रेडियो सेट पे। सुनते रहिए अपने दोस्त आरजे अभी के साथ। उंगलियां उठ
गुजरे हुए सालों की तरफ चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए तुमने दिल की बात कह दी
आज ये अच्छा हुआ तुमने दिल की बात कह दी। मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन तो है, पर टूट कर चाहना सिर्फ एक बार होता है। तुम न लगा पाओगे अंदाजा मेरी तबाही का, तुमने देखा ही कहां मुझको शाम के बाद। वेलकम बैक आपके अपने शो में, आज अभी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता है। कुछ शायरी है जो मैं अपने सफर में गजलों की बातों के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़े मासूम लगते हैं वो जब भी मुस्कुराते हैं, बड़े मासूम लगते हैं वो जब भी मुस्कुराते हैं, कोई क्यों जान ना दे दे वो ऐसे सर झुकाते हैं। बड़ी सी बोलती आंखें बड़े खामोश होठों पर, जैसे सूई कलियां पर दो भौरे गुनगुनाते हैं। बड़ी ही खूबसूरत हाथ न जाने कौन सी धुन में, कभी लटसे उलझते हैं कभी चोटी बनाते हैं। बड़े संजीदा चलने में अगरचे शोक है पायल, बड़े संजीदा चलने में अगरचे शोक है पायल, कि नाजुक पाँव में सैंडल बड़ा ही जुल्म ढाते हैं, कि नाजुक पाँव में सैंडल बड़ा ही जुल्म ढाते हैं। संगीत के सफर में मैं आपसे बात कर रहा था गजल के बादशाह जगजीत सिंह के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जगजीत सिंह ने अपने शुरुआती दिनों में जो अपनी पढ़ाई की वो गंगानगर के खालसा स्कूल में उनकी स्टार्ट हुई जो जलंधर में है। डीएवी कॉलेज के स्नातक की डिग्री ली और इसके बाद फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इतिहास की पोस्ट ग्रेजुएशन पार कर ली। जगजीत सिंह की एक गजल है, आपने सुनी भी होगी। गजल कुछ इस तरह है कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गईं, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए कुछ प्यारी प्यारी गजलें, कुछ प्यारे प्यारे तराने अपने दोस्त आरजी अभी के साथ। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। होश वालों
पर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी का चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। से नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आंखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है, झुकती आंखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, ला 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 ला। हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। ओ
मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो। टहनी पे चांद टिका था, एक टहनी पे चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो, मैं ये समझा तुम बैठे हो, मैं ये समझा तुम बैठे हो। उजले उजले फूल खिले थे, उजले उजले फूल खिले थे बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो। मुझको शाम बता देती है, मुझको शाम बता देती है, तुम कैसे कपड़े पहने हो, तुम कैसे कपड़े पहने हो, तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों से बातें करते हो, बच्चों से बातें करते हो, बच्चों से
बातें करते हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो। कहां तो तय था चिराग हरेक घर के लिए, कहां तो तय था चिराग हरेक घर के लिए, कहां चिराग में असर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए, ना हो कमीज दो पांवों से पेट रख लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफर के लिए, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहां चिराग में असर नहीं शहर के लिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज के सफर के लिए, तेरा निजाम है सिलते जुबान शायर को, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहां चिराग में असर नहीं शहर के लिए। कहते हैं कि जगजीत सिंह ने अपनी गजलों को जब फिल्मी गानों की तरह गाना शुरू किया तो आम आदमी ने भी गजल में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी, लेकिन गजल के जानकारों की भौहें टेढ़ी हो गई, खासकर गजल की दुनिया में जो मयार बेगम, कुंदनलाल सहगल, तलत महबूद, मेहंदी हसन जैसी हस्तियां थीं, उससे हटकर जगजीत सिंह की शैली शुद्धवादियों को रास नहीं आती थी। दरअसल वो दौर था जब आदमी ने जगजीत सिंह, पंकज उदास, सरीखे गायकों को सुनकर ही गजल से दिल लगाना शुरू किया था। दूसरी तरफ परंपरागत गायकी के शौकीनों शास्त्रियों से हटकर नए गायकों के लिए प्रयोग चुभ रहे थे। आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि जगजीत सिंह ने गजल की प्योरिटी और गजल के मूड के साथ छेड़खानी की है, लेकिन जगजीत सिंह ने इसमें अपनी सफाई देते हुए हमेशा ये कहते रहते थे कि उन्होंने प्रस्तुति में थोड़े बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन लफ्जों को छेड़छाड़ पर ही किया, लफ्जों की छेड़छाड़ में कोई काम नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। बेशक और बेशतर मौकों पर गजल कुछ भारी भरकम शेरों से हटाकर इससे 6-7 मिनट तक समेट दिया गया और इसे डबल बास, गिटार, पियानो के लिए रिकॉर्ड किया गया था। जो गजल थी जगजीत सिंह द्वारा गाई हुई बहुत ही अच्छी गजल्स हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन गजल्स को गाने के लिए जगजीत सिंह ने कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ सारंगी, तबला जैसे परंपरागत साज पीछे नहीं छोड़े और उसी के साथ एक गजल को एक नया रूप दिया, एक नई लाइफ दी, जो आज हम सब के बीच में एक नई आवाज़ के साथ उतर रही है। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में कुछ गजल्स और अपने दोस्त आरजे अभी को इसी के साथ तेरी से इजाज़त, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बख़ैर। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल, बिजली, तितली, जुगनू, कोई नहीं है ऐसा, तेरा हुस्न है जैसा, तेरा हुस्न है जैसा। मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमीन पे चलता हुआ महताब देखा है। मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, किसका चेहरा, किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर, मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर।
तेरे बारे में जब सोचा नहीं था तेरे बारे में जब सोचा नहीं था मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था मैं तन्हा था मगर नहीं था तेरे बारे में जब सोचा नहीं था तेरे बारे में जब सोचा नहीं तस्वीर से करता था बातें तेरी तस्वीर से करता था बातें
मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था तेरे बारे में जो सोचा नहीं समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था, मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था, मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था तेरे बारे में जो सोचा नहीं जाएंगे ये सोचा नहीं था, बिछड़ जाएंगे ये सोचा नहीं था, बिछड़ जाएंगे ये सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था तेरे बारे में जब सोचा नहीं कर ली उसने आँखें, सुना है बंद कर ली उसने आँखें, कई रातों से वो सोया नहीं था, कई रातों से वो सोया नहीं था, कई रातों से वो सोया नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था तेरे बारे में जो सोचा नहीं था, तेरे बारे में जो सोचा नहीं था।
काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सभी काट लेते हैं भाई, जिंदगी जो ऐसी की मिसाल बन जाए। कुछ यही सोच लेकर गजल के बादशाह जगजीत सिंह भी इसी दुनिया में आए थे, इसी दुनिया के साथ रहे हैं। कहते हैं कि जो संगीत था, जो संगीत का उनका सफ़र था, जो गज़ल का उनका सफ़र था, उस सफ़र में उनका जो सबसे ज़्यादा साथ मिला था वो उनकी धरोहर, उनकी विरासत से मिला था। क्योंकि संगीत को तो उन्होंने विरासत से ही पाया था। गंगानगर में ही पंडित छगन लाल शर्मा के सानिध्य में वो 2 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के बाद आगे जाकर सैनिया घराने में उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, झुमरी, दुपत और भी बारीकी से सीखी। पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में जाए, लेकिन जगजीत पर तो गाने और गाना गायक बनने का धुन सवार था। कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान संगीत में उनकी दिलचस्प देखकर कुलपति प्रोफेसर सूरज भान ने जगजीत सिंह जी को काफ़ी उत्साहित किया। उनके कहने के हिसाब से 1965 में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उनका सफ़र जो स्टार्ट हुआ गज़ल का, संगीत का, गानों का, वो यहाँ से शुरू होता है। कैसा रहा उनका सफ़र बताएंगे आपको, लेकिन तब तक के लिए सुनते रहिए अपने दोस्त आरजे अभी के साथ। जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं।
राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे दे Is this ad interrupting your music? Just like Moonscape interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Sevlon antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. Mujhe dekh rahi ho jaise. इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में तभी हो जैसे, तूने आँखों से कोई कहीं हो जैसे,
जागते जागते कटे हो जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता, नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता, अगर सब खाके हो जाते तो फिर बाजार क्यों होता। आपका दोस्त एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर है। बात चल रही है जगजीत सिंह के बारे में। तो कहाँ से शुरुआत होता है जगजीत सिंह के फिल्मी सफर का, बताएंगे आपको। उनकी रमन कुमार की एक निर्देशित मूवी थी प्रेम संगीत और महेश भट्ट की अर्थ। भला अर्थ को कौन भूल सकता है, अर्थ में जगजीत सिंह ने ही संगीत दिया था। फिल्म का हर गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद तो फिल्मों की हिट संगीत देने का नाकामयाब कोशिश करते रहे गजल गायक जगजीत सिंह जी। पिछले दिनों की बात है, डिम्पल कपाड़िया विनोद खन्ना स्टारर एक मूवी आई थी लीला, जिसमें संगीत औसत दर्जे का रहा था। बिल्लू बादशाह, कानून की आवाज़, राही, ज्वाला, कई मूवी आई थी जिनमें जगजीत सिंह की गजल रही थी। बहुत ही बढ़िया मूवीज़ बनी, बहुत ही बढ़िया अच्छी गाने के साथ, अच्छी गजलों के साथ मूवीज़ को नवाजा गया। और ये चाह ही रहे कि जगजीत सिंह ने बतौर कंपोजर बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, लेकिन अच्छी फिल्मी गाने रचने में वो असफल रहे। इसके उलट पार्श्व गायक जगजीत जी को सुनने वालों को सदा जमते रहते हैं। उनकी सराहना आवाज दिल की गहराइयों में ऐसे उतरती है कि मानो गाने को सुनने वाले दोनों के दिल एक हो गए हों। और कुछ फिल्म हिट भी रही थी, जैसे प्रेम गीत का एक उनकी गजल थी, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। एक उनकी गजल आई थी साथ साथ का गजल था, ये तेरा घर ये मेरा घर ये घर बड़ा हसीन है सरफरोश से। इनकी गजल जो आप सुन चुके हैं, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, ट्रैफिक सिग्नल से हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं झूठा करते। तुम बिन एक मूवी थी, उसमें इनकी सबसे अच्छी गजल आई थी कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। और एक मूवी थी जो इन्होंने लता जी के साथ गाना गाया था, गाना था मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देखकर, लता जी के साथ। आप सुनिएगा अपने दोस्त आरजे भी के साथ। सीमा हो ना
जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर दे ये रीत अमर कर दे, नई रीत चला कर दे ये रीत अमर कर दे। उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। मुझे जो भी लगा प्यारा जगने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा सब जीता पिए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सैवलॉन की बॉटल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ।